अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे मातारामो मत्पितारामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखारामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी देवियों, ऐसा समय जीव को बड़े सौभाग्य से मिलता है जब उसे भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और भगवान की कथा में भी अगर भक्ति की चर्चा हो तो ये भगवान से जुड़ने का सीधा साधन है, क्योंकि जब तक हम संसार से जुड़े रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। ये सिद्धांत है। हमारे जीवन में अपना दुख कम होता है, अपनों का दुख ज्यादा होता है। भगवान के पास दुख है ही नहीं। वहां सुख भी नहीं है। सुख से बड़ी वस्तु होती है शांति।
और उससे भी बड़ा होता है आनंद। वह आनंद जहां अपनी पराकाष्ठा पर होता है उसे कहते हैं परमानंद, और वही है भगवान का स्वरूप। सुभक्ति का अर्थ होता है उस आनंद से जुड़ जाना जिससे बड़ा कोई आनंद इस संसार में है ही नहीं। क्योंकि जब ये प्रश्न किया गया कि भगवान क्या है, भगवान क्या है माने भगवान के बारे में ज्ञान होना, भगवान का स्वरूप कैसा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे, तो आप दो तरह से बता सकते हैं। यही बात गरुड़ जी महाराज ने कागभूषुंडी जी से पूछा। महाराज भगवान से प्रेम तो किया जाए, लेकिन लेकिन भगवान को जाने बिना क्या भगवान से प्रेम हो सकता है? तो ज्ञान की आवश्यकता है कि भगवान के प्रेम की आवश्यकता है? ये गरुड़ जी का प्रश्न है। ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है? और श्री कागभूषुंडी जी महाराज बड़े सरल शब्दों में कहते हैं भगति ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा, दोनों में कोई भेद है ही नहीं। देखो बड़ी सरल बात है, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उससे ये तो पूछा ही जा सकता है कि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, कहेगा भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न बनता है कि भगवान कैसे हैं। अगर वो ये कह दे कि मुझे नहीं पता तो फिर तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? जब तुम्हें यही नहीं मालूम है कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं, किसकी पूजा कर रहा हूं, तो तुम क्या भक्ति कर रहे हो? इसलिए जो भक्त होता है वो ज्ञानी भी होता है। क्योंकि भक्त का मन निरंतर भगवान के साथ रहता है। और देखो हमारे मन की एक विशेषता है, वो जिसके साथ रहता है, जिसमें पूरा पूरा लग जाता है, उसकी पूरी खोज खबर रखता है, उसके बारे में सब कुछ जान लेता है, ये उसका स्वभाव है। योग शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, ध्यान के बाद जब समाधि की अवस्था आती है तो समाधि का अर्थ होता है सम्यक रूपेण आधीयते मनः अस्मिन्। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसमें जब हमारा मन पूरी तरह से लग जाए, जैसे तेल की धार होती है ना, खंडित नहीं होती, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक तार रहती है, ठीक इसी तरह से जब हमारा मन पूरी तरह से, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, पूरी तरह से ध्येयाकाराकारित हो जाए, उस ध्येय के विषय को के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए, उस विषय का पूर्ण ज्ञान हमें हो जाता है। इसलिए जो भक्त होता है वो ज्ञानी भी होता है, वो योगी भी होता है, वो महान तपस्वी भी होता है।
और भक्त तो होता ही है। माने ऐसा कोई गुण नहीं है जो उसमें ना होता हो। क्यों? क्योंकि हम जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण धीरे 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 हमारे अंदर आने लगते हैं। यह नियम है। जिसका संग करते हैं हम, संग करने के माने क्या है? संग करने के माने है मन से साथ में रहना, तन से नहीं। हमारा मन जिसके साथ में रहता है, भक्त का मन तो भगवान के साथ में रहता है, एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़ता नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, अर्जुन मन मना भव, अपने मन को मेरे मन के साथ जोड़ दो। देखो ये भी दुखों से मुक्ति का एक बढ़िया उपाय है। अपने मन को भगवान के साथ जोड़ने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भगवान जो करते हैं, मेरे भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। और ये विचार की दृष्टि से देखा जाए तो भी सही है, मनुष्य से तो गलती हो सकती है, क्या भगवान भी गलती कर सकते हैं? और भगवान अगर गलती करें तो फिर भगवान की भगवत्ता क्या है इसमें? फिर अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए भक्त का ये पूरा भरोसा होता है कि अब मेरे भगवान जो करेंगे वो ठीक करेंगे। उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती, अपनी इच्छा को उसने भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दिया है। क्योंकि अपने मन को पूरी तरह से भगवदाकाराकारित कर दिया है। और जब हमारा मन भगवान से इस तरह से जुड़ जाएगा तो भगवान का जो आनंद है वो आनंद सहज रूप में हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगेगा। इसलिए दोनों जगह आप देखिए, महाभारत में भीष्म पितामह को सिर से लेकर के पैर तक बाण लगे हुए हैं और भीष्म पितामह रो नहीं रहे। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू हैं, भीष्म पितामह बात कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप रामचरितमानस में देखें तो जटायु से भगवान श्री राम जब बात करते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जल भर नयन कहाँ रघुराई। राम जी के नेत्रों में जल है, जटायु के नेत्रों में जल है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो भगवान का चिंतन कर रहा है। जटायु भगवान का चिंतन कर रहा है लेकिन भगवान किसका चिंतन कर रहे हैं? भगवान भक्त का चिंतन कर रहे हैं। हमारा मन जिसके पास रहता है उसके गुण धीरे 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 हमारे अंदर आने लगते हैं। इसलिए एक संत कहता है कि पिय पिय कहते दिन गया, भक्त का तो पूरा दिन और पूरी रात्रि भगवान के नाम का स्मरण करते ही बीतती है। आरंभ में तो वो अभ्यास करता है, बाद में अजपा जप चलता है, फिर वो प्रयास नहीं करता बिना प्रयास के। उसके मन का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो फिर उस सुख को छोड़ना नहीं चाहता और वहीं रह जाता है। गोपियों की यही स्थिति है। जब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी क्या करें,
मन तो लौट के आता ही नहीं है। और जब मन हमारे पास नहीं होगा तो हम आपका ज्ञान कैसे सुनेंगे? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ही कहा था, ठीक है आप हमें उपदेश कर रहे हैं, घर जाने का आदेश कर रहे हैं, आपका आदेश सिरोधार्य है, हमारा मन हमें वापस कर दीजिए। क्या बिना मन के हम अपने घर जा सकते हैं? भगवान निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा ये तो मेरे बस में भी नहीं है। जैसे मिश्री की डली जल में घुल जाए और घुलने के बाद फिर कोई कहे कि जल से कि तुम इसे वापस कर दो, तो कैसे वापस कर दे? इसलिए वेदों से पूछा गया भगवान का स्वरूप क्या है। वेदों ने कहा जी रसो वैसा, वो जो परमात्मा है वो आनंद रूप है, आनंद जहां अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। अब देखो श्री भरत जी के हाथ में माला है और कुश के आसन पर बैठे हुए हैं। शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। पुलकित हो रहा है माने वह जो आनंद है वह आनंद शरीर में समा नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। नेत्रों के माध्यम से वो बाहर आ रहा है। मनुष्य के नेत्रों से दो बार आंसू निकलते हैं, एक बार तो जब वो दुखी होता है तब निकलते हैं, एक बार और निकलते हैं जब उसके हृदय में आनंद उमड़ता है। लोग कहते हैं क्यों रो रहे हो? बोले रो नहीं रहा हूं, ये खुशी के आंसू हैं। ये तो सांसारिक खुशी है, ये तो क्षणिक खुशी है। इस आनंद का जो पावर हाउस है वो जो परमानंद है वो जब जीव के हृदय में प्रकट होता है, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पुलक गात हिया सिया रघुबीरू, पुलक गात, उनका जो पूरा शरीर है वो पुलकायमान हो रहा है। एक एक रोम रोमांचित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके हृदय में भगवान आ गए हैं। और भगवान माने क्या? भगवान पहले नहीं थे? भगवान तो सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में है। लेकिन ठीक वैसे ही हैं जैसे अग्नि सब जगह है, अप्रकट रूप में। कबीरदास जी महाराज कहते हैं सब घट मेरा साईया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वाघट की जाघट परघट होए। प्रत्येक घट में, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक हृदय में वो परमात्मा बैठा हुआ है, अप्रकट रूप में बैठा हुआ है। जैसे माचिस में आग होती है और अगर न जलाया जाए तो क्या उस आग से हमारा काम चल जाएगा? माचिस में तो है, उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसी तरह से ये भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो अप्रकट रूप में हैं, इन्हें प्रकट करने की पद्धति का नाम भक्ति है।
भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सब जगह रहते हैं, हम आप भी जानते हैं कि भगवान सब जगह रहते हैं, उससे हमें कोई लाभ? भगवान सब जगह रह रहे हैं, हमारी समस्याएं भी जैसी हैं वैसी ही हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है, क्या करना है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वे भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम से प्रकट होने का अर्थ क्या है? देखो, संसार का अर्थ है राग और द्वेष। मैंने कई बार एक बात कही है कि ये जो बाहर का संसार है ये तो हमारे बड़े काम का है, ये जो हमारे मन के अंदर किसी के प्रति राग होता है और किसी के प्रति द्वेष होता है, किसी को हम अपना मानते हैं और किसी को पराया मानते हैं, बस रोग की जड़ यही है। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, केवल एक काम करना है, भगवान का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। अगर हम भगवान को ठीक से जान जाएं तो भगवान को छोड़ नहीं सकते, और संसार को सही सही समझ लें तो संसार को अपने मन में रख नहीं सकते। भगवान के दो प्रकार हैं, एक तो भगवान प्रत्यक्ष हैं और दूसरे परोक्ष हैं। एक भगवान तो वे हैं जो सामने दिखाई देते हैं, और दूसरे भगवान वे हैं जिनके बारे में वेद कहता है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। वेद भगवान से पूछा गया, भगवान का लक्षण क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है? वेदों ने कहा इस समस्त संसार की जिनसे उत्पत्ति होती है, येन जातानि जीवन्ति, और उत्पत्ति के बाद जो इसकी रक्षा करते हैं, जो इसका पालन पोषण करते हैं, और यत पर्यंत अभिसंविशन्ति, बाद में जिसमें यह संसार लीन हो जाता है, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति, उसे जानने की इच्छा करो वो ब्रह्म है। प्रश्नकर्ता को ऐसा लगा, बोले आपने तो हमें उलझा दिया, आप तो सीधी सीधी बात बताओ। ये जो लक्षण है भगवान का, ये तटस्थ लक्षण है। तटस्थ माने दूर से बताया गया भगवान ऐसे हैं, ये भी बड़े काम के का लक्षण है। क्यों? इससे भगवान का प्रभाव पता चलता है। इतने बड़े संसार को बनाने वाला परमात्मा, एक छोटे से घर को देख करके कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है ये घर किसका है, आप बता देंगे। ये गाय किसकी है, आप बता देंगे। ये बकरी किसकी है, आप बता देंगे। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये समुद्र किसका है, ये हिमालय किसका है, ये गंगा किसकी है, यमुना किसकी है, कृष्णा कावेरी किसकी है, और ये विशाल वनखंड किसका है,
और यह संपूर्ण संसार किसका है तो क्या बताओगे? तो किसी का नहीं है क्या, ऐसा कह सकते हो? या ऐसा कह सकते हो इसे किसी ने नहीं बनाया? ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसे किसी ने नहीं बनाया। जब हम मयूर को देखते हैं, मयूर पंख को देखते हैं, थोड़ी देर ध्यान से देखते रहो, किसी भी पुष्प की एक पंखुड़ी को ध्यान से थोड़ी देर देखते रहो, आपके मन में स्वयं एक प्रश्न आएगा, इसे किसने बनाया? इसमें इतने सुंदर रंगों का संयोजन किसने किया? ये तरह तरह के फल किस किस का नाम लूं? ये तरह तरह के स्वादिष्ट रस जो गन्ने की जड़ से, जल तो वही है जो गन्ने की जड़ से प्रवेश करता है, वही कैथे की जड़ से प्रवेश करता है, वही मिर्च की जड़ से प्रवेश करता है, जल तो एक है। इस संसार में स्वाद कितने प्रकार के हैं, मिठाइयां कितने प्रकार की हैं? अच्छा, दूध तो एक ही प्रकार का है, उसी दूध में दही, उसी में मक्खन, उसी में घी, रखने वाला कोई तो है। ये काम किसी वैज्ञानिक ने किया? कोई वैज्ञानिक कर सकता है? किसी जानवर को घास खिलाई जाए और उसमें से दूध निकले, मक्खन भी निकले, दही भी मिले और घी भी मिले, ये तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थ, इससे उस परमात्मा की करुणा पता चलती है, उनकी कृपा पता चलती है। ये सब किसके लिए है? हमारे आपके लिए या किसी और के लिए? चेतन प्राणियों के लिए हैं या किसी और के लिए हैं? भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम तो चैन से भोजन करो और भोजन करके सो जाओ। अर्जुन ने कहा, कन्हैया मैं तो सो जाऊंगा, आप नहीं सोगे? भगवान ने कहा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं जागूंगा। आप जाग कर क्या करोगे? बोले, जो कुछ तुमने खाया पिया है, संसार के जितने जीव हैं, मुझे तो सबकी चिंता है, मैं जठराग्नि बन करके उसे पचाने का काम करूंगा। अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देह माश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। रसौ वैसा, वो परमात्मा रस स्वरूप है, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंदम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो कुछ भी दिखाई देता है, जड़ भी और चेतन भी, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ भगवत रूप है। हमारी दृष्टि का दोष है अगर हमें इसमें भगवान का दर्शन ना हो तो। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, भगवान के बारे में बताओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिख तो दिया रामचरितमानस। बोले, महाराज उसमें मिल नहीं पाए। तो बोले, फिर सामने देख लो,
गोस्वामी जी चैलेंज करते हैं, वे कहते हैं कोई एक चीज मुझे बता दो जिसकी सत्ता भगवान के बिना हो सकती हो। एक उदाहरण देता हूं आपको, अब आप थोड़ा सावधान होकर के ध्यान से सुनिएगा। जिस समय आप स्वप्न देखते हो, उस समय जो कुछ देखते हो सब कुछ मिथ्या होता है। क्या देखने वाला भी मिथ्या होता है? मान लीजिए आप देख रहे हैं, आप कोई स्वप्न देख रहे हैं, आप जागृत अवस्था में आए, आपको पता चला कि मैंने सपना देख रहा था मैं अभी तक, सो जो कुछ देखा सब कुछ मिथ्या है। सब कुछ मिथ्या है, लेकिन क्या देखने वाला भी मिथ्या है? आप ये कह सकते हो कि नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, देखने वाला तो है। अगर देखने वाला ना होता तो इसके माने यह तर्कों के द्वारा भी सिद्ध है कि स्वप्न काल में केवल स्वप्न को देखने वाला होता है, जो दिखाई देता है ऐसा कुछ नहीं होता। देखने वाला स्वयं दृष्टा होता है और स्वयं दृश्य होता है, माने जो देखता है वह भी वही होता है और देखने वाला भी वही होता है। मान लीजिए आप रजाई ओढ़े लेटे हुए, कमरे की कुंडी बंद है अंदर से, अब न तो आप बाहर जा सकते हैं और रजाई चूंकि सर के ऊपर से ओढ़े हुए हैं और रात है, अंधेरी रात है, और फिर भी आप कहते हैं मैंने देखा, तो किन नेत्रों से देखा? क्या जो जो नेत्र आपके पास है इन्हीं नेत्रों से देखा आपने स्वप्न? इन नेत्रों से तो नहीं देखा। अच्छा, देखने के बारे में आप कह सकते हो क्या कि मैं जो कुछ भी आपने देखा उसका आपने वर्णन किया? वर्णन करने के बाद क्या आप ये सिद्ध कर सकते हो किसी तरह से कि मैंने नहीं देखा? ये तो आप सिद्ध नहीं कर सकते कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि आपने देखा। तो कहां से आया? जो कुछ आपने देखा वो कहां से आया? ये आपके मन की शक्ति है, ये आपके मन की सामर्थ्य है। उसने दो रूप बनाए, एक में तो वो दृष्टा हो गया और दूसरे में दृश्य हो गया। कुछ नहीं था वहां, आपने सब कुछ प्रकट कर दिया। ये अंश का चमत्कार है। वो अंशी कितना चमत्कारिक होगा, उसका पावर कैसा होगा? अगर वो संसार को बना देता है तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भगवान शंकराचार्य से पूछा गया, देखो शंकराचार्य तो ज्ञान के आचार्य हैं, अद्वैत वेदांत के मूर्धन्य विद्वान हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करके अद्वैत वेदांत सिद्धांत की स्थापना किया। सो उनसे पूछा गया कि महाराज ये बताओ कि अगर मोक्ष प्राप्त करना हो इसी जन्म में, तो मोक्ष में ज्ञान की आवश्यकता है कि भक्ति की आवश्यकता है? अब वे तो ज्ञान के आचार्य हैं, तो उन्हें कहना चाहिए कि नहीं नहीं
ज्ञान से ही मोक्ष होता है, वे ऐसा नहीं कहते। विवेक चूड़ामणि में उन्होंने लिखा कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरियसी, मोक्ष मिलता है भक्ति से। लोगों ने कहा महाराज बड़ी विचित्र बात आप तो कह रहे हो, हमने तो ऐसा सुना है कि रिते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती, आप कहते हो भक्ति से मुक्ति मिलती। शंकराचार्य जी ने कहा पहले भक्ति की परिभाषा तो सुन लो मेरी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते। भक्ति कहलाती है अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने स्वरूप को पहचानना, मैं कौन हूं। जानते हैं हमारा दुर्भाग्य क्या है? हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी इंद्रियों से ही मुक्त नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास एक विषय रहता है, अब क्या खाया जाए, ये तो एक इंद्रिय है। इंद्रियों से हम अंदर जाएं, हमें मन मिलेगा, उससे भी अंदर जाएं तो बुद्धि मिलेगी, और उससे अंदर जाएं तब हमारा अपना अनुसंधान होगा, आत्मा का अनुसंधान होगा। कब करेंगे हम ऐसा? सभी शास्त्र इस बात में एक मत हैं, जब तक विषयों का त्याग ना होगा, विषयान ध्यायतस चित्तम विशेष विसज्जते, ये जो हमारा मन है ना ये चिपक जाता है, जिसका चिंतन करते हैं उसी के साथ चिपक जाता है। मन है एक, उसे कभी तो विश्राम नहीं मिलता, कभी इस विषय के साथ, कभी उस विषय के साथ, कभी उस विषय के साथ। विषयान ध्यायतश्चित्तम विशेष विसज्जते, विषयों का चिंतन करते करते मन विषयों से चिपक जाता है। और भगवान कहते माम अनुस्मरतः चेतो मय्येव प्रविलीयते, जो भाग्यशाली मन मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, वो मेरे में ही लीन हो जाता है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जौ मुहि राम लागते मीठे तो नवरस खटरस अनरस सब हो जाते सुठ सीठे। ये जो विषयों का सुख है, ये सुख है, कोई भी वस्तु कब तक स्वादिष्ट लगती है? जब तक जीभ के ऊपर होती है, ना उसके पहले ना उसके बाद। इसकी क्षणिकता अच्छी तरह से हमें पता है। और भक्ति की विशेषता यह है प्रतिक्षणम वर्धमानम, भक्ति का जो आनंद है वो शुरू हुआ तो फिर घटने का नाम नहीं लेता, उसमें ना तो घटाव है। प्रतिक्षणम वर्धमानम, निरंतर आगे बढ़ने वाला है, अमृत स्वरूप है,